वुमेन टीवी इंडिया टीम की ओर से आज पंचकुला में नारी कलम गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती राजवंती मान ने की। इस गोष्ठी में डॉक्टर शालिनी शर्मा, सीमा भारद्वाज, नीलम त्रिखा गार्गी, डॉक्टर दीप्ति, मंजलि सहारन, उमा शर्मा व सुनीता धारीवाल ने अपनी कविताएं पढ़ी। आइए देखते हैं एक झलक। क्यों रुक गई? ए उठो, आगे बढ़ो। क्यों रुक गई? यह पहला अवरोध नहीं, आखिरी भी नहीं, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों रुक गई? बहुत अच्छे। सूरज अभी तक डूबा नहीं, आंधियों से तुम डरती नहीं, शिशिर ने आकर तुम्हें दबोचा नहीं, फिर क्यों रुक गई? चलने की लालसा बाकी है, रक्त में आशाओं का संचार है, उकताहट दिल में भरी नहीं, संवेदनाएं भी मरी नहीं, फिर क्यों रुक गई? क्या कहा मुझसे कि मैं पशिमा हूँ, वक्त की चोटों से कुछ हैरान हूँ, क्या मुझसे नहीं पूछोगे, क्या मुझसे नहीं पूछोगे इसका तुम सबब? चलना जो चाहा मैंने हो करके यूं सबल, हर चाल पे मेरी तेरी उंगली उठी थी, क्यों हूँ मुखर मैं ये आवाज भी सुनी थी, मत पूछ फिर भी हौसलाए हिम्मत न रुकी थी, मत पूछ फिर भी हौसलाए हिम्मत न रुकी थी, मैं सोच कर तेरा हर कहर रुकी थी, पर तू कहाँ शिकस्ते हस्ती से रुका था, पर तू कहाँ शिकस्ते हस्ती से रुका था, हर बाण तेरे शब्द का मेरे दिल पे चला था। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गरम रखो, जेब को गरम रखो, आंखों में शर्म रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो, होठों पर मुस्कुराहट रखो, फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, फिर स्वर्ग में जाने की क्या जरूरत है, यही स्वर्ग है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो। वो गरीबों की बस्ती, वो बारिश का पानी, वो टूटी तंग गलियां, वो गंदा बहता पानी, गरीबों की कोई सुनता कहाँ है, ये नेता तो बस चुनाव में ही दिखाई देते, वो गरीबों की बस्ती, वो गंदा बहता पानी, वो पानी की किल्लत, वो बिजली कभी ना आना, पसीने से तर बतर हो जाना, बिजली बेचकर पैसा कमाना, ये नेताओं की है कारिस्तानी, वो गरीबों की बस्ती, वो गंदा बहता पानी। मैं सब कुछ छोड़ कर तेरी पनाह जो आ गई प्यारे, मैं सब कुछ छोड़ कर तेरी पनाह जो आ गई प्यारे, मुझे अबला समझने की कभी तुम भूल ना करना, मैं सब कुछ छोड़ कर तेरी पनाह जो आ गई प्यारे, मैं झांसी की रानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मैं झांसी की रानी हूँ, मैं मीरा सी दीवानी हूँ, मुझे बेबस और लाचार समझने की कभी तुम भूल ना करना, मैं सब कुछ छोड़ कर तेरी पनाह जो आ गई प्यारे। कार्यक्रम की अध्यक्ष राजवंती मान ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य नवोदित महिला कवियत्रियों को मंच प्रदान करना है और अधिक से अधिक औरतों को अदब की दुनिया से जोड़ना है, ताकि महिलाएं खुद कर अपनी बात लेखन के माध्यम से कह सकें। महिलाओं की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए आज की गोष्ठी सफल रही। अंत में श्रीमती सुनीता धारीवाल ने सभी उपस्थित कवियत्रियों का धन्यवाद किया।